हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोहित सर एक बार फिर से पार्थ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आपने हर जगह सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर पे, सब ग्रुप्स में चेक कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा और जान लिया होगा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए जो उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने वाला था, उसकी प्रक्रिया बहुत ही तेजी से बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह आगे बढ़ रही है। मैंने पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, अभी भी जिन लोगों को यह लग रहा है कि 100 दिन में परीक्षाएं नहीं आयोजित होंगी, मार्च अप्रैल के महीने में परीक्षाएं नहीं आयोजित होंगी, वो सारे के सारे छात्र केवल और केवल एक काम कर रहे हैं, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप में से वो सभी लोग जो अभी भी ये मानते हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अगले 100 दिनों में नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपने देख लिया आज के पेपर में, हर जगह न्यूज पढ़ लिया होगा, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष, सदस्य, इन सब के नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन जारी होना था वो विज्ञापन जारी हो गया। नियमावली आपने देखा, गवर्नमेंट ने आपको बना के दे दी है, अब बारी आपकी है। शायद ये अंतिम मौका होगा, जिस मौके को आप भुनाना नहीं चाहते होंगे, तभी जाकर के अपने भविष्य के साथ, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ, अपने दूर होती बेरोजगारी के साथ और अपने आने वाले पारिवारिक दायित्वों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपका जो भी विषय हो, एक चीज मैं और आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि इस बार ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है कि पेपर का पैटर्न भी बदल सकता है। इसलिए मैं बार बार आप सबको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं कि कुछ भी हो जाए, रटंत विद्या वाली जो अपनी अवधारणा है, उस अवधारणा को बदल दीजिए। और थ्योरेटिकल ज्ञान, जी हाँ, थ्योरेटिकल ज्ञान, जैसे नेट की परीक्षाओं को लेकर के डीप नॉलेज पढ़ते हैं, उस तरह से अर्जित करिए जिससे कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव हो तो आपको समस्याएं ना हो। 2016 में आपने इतिहास विषय के पीजीटी की परीक्षा में देखा था, 2021 में आपने हिंदी विषय की टीजीटी की परीक्षा में देखा था, और अब तो समय नहीं है। तो आप सभी अपनी तैयारियां जारी रखिए और अपनी तैयारियां तलवार की धार पर, नोक पर एकदम सही सटीक तरीके से जारी रखिए। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, 327 पद है, सीटें है, सॉरी 327 कैंडिडेट्स की फाइट है एक सीटों पर। आपका लगभग 10 लाख 13 लाख के आसपास फार्म है जिसमें 4600 कुछ पद है। एक सीट पर 326 लोग फेल होंगे तब एक का सिलेक्शन होगा। इसलिए अगले 100 दिन आप अपने आप को दे लीजिए, मुझे मत दीजिए, किसी को मत दीजिए, अपने आप को दे लीजिए। ये 100 दिन आपके जीवन के 30 सालों को बदलने वाले हैं। आज आपको न्यूज मिल गई होगी, आज आपको हर जगह से सूचना मिल गई होगी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग पे होगा, उसके सदस्यों को, अध्यक्षों को जो नियुक्त किया जाना है उसका विज्ञापन जारी हो चुका है, उसकी नई नियमावली जारी हो चुकी है। और अब आपको तन्मयतापूर्ण तरीके से लग करके केवल और केवल अपनी तैयारी करना है। इसीलिए हम लोगों ने टीजीटी पीजीटी की हर विषय की टेस्ट सीरीज पार्थ एजुकेशन एप्लीकेशन पर डाल दी है। आप अपनी तैयारी को एकदम युद्ध स्तर पर जारी रखिए और निश्चित तौर से अंतिम में यही बात कहना चाहूंगा, हम होंगे कामयाब। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू वेरी मच। जय नौकरी, जय नौकरी, जय नौकरी।